दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत सरकार द्वारा सभी व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिस आईडी कार्ड को आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप इस आईडी कार्ड को बना लेते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स, काफी सारे फायदा मिलने वाला है। और इस आईडी कार्ड का बनाने का पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन है, आप घर बैठे इस आईडी कार्ड को बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और इस आईडी कार्ड को आपको किस प्रकार से बनाना है और बनाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, इसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस आईडी कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का प्ले स्टोर को इस तरह ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है उमंग। जैसे ही आप उमंग लिख के सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद सिंपली ओपन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा, आपको सिंपली नो के ऑप्शन में क्लिक करके इसको हटा देना है, ठीक है। तो आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन में विजिट किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर हियर के ऑप्शन में क्लिक करके एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप पहले से यहाँ पे आईडी पासवर्ड बना के रखे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपका जो एम पिन है, एम पिन को यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आईडी पासवर्ड बना के रखे हैं, अब जस्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे हम फिल करेंगे और यहाँ पे एम पिन फिल करके लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑल सर्विसेज, आपको क्या करना है सिंपली ऑल सर्विसेज के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ए बी एच ए, आपको सिंपली क्या करना है इसके ऊपर इस तरह क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पे आपको चार स्टेप को पूरा करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। और ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म इस तरह खुल के आ जाएगी, ठीक है। और इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो फुल नेम है उस फुल नेम को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है, जेंडर को इस तरह आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे आपका जो स्टेट है, स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपका जो पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और इसके बाद सिंपली आई एग्री के ऑप्शन में क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ए बी एच ए एड्रेस को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे सजेशंस में दिए गए हैं आपको किस प्रकार से ए बी एच ए एड्रेस को आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगी, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, तो हम पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद इस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। और इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गए हैं और यहाँ पे आपका जो ए बी एच एड्रेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्लोज के ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लोज के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली माय प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे लॉगिन बायो के ऑप्शन दिए गए हैं और इसका टिक नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने पहले एंटर किए हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्लोज के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आईडी कार्ड है वो बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस कार्ड का नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। तो चलिए इस कार्ड का फायदा भी आपको बता देते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को लेके आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले उस पेशेंट का वहां पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद जब भी इस पेशेंट का जितने भी टेस्ट किया जाता है सारे टेस्ट का अलग अलग पर्ची दिए जाते हैं। जब भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इस पेशेंट को रेफर किया जाता है तभी आपको पिछले वाला हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड वहां पे सबमिट करनी होती है, पूरा रिकॉर्ड वहां पे दिखाने होते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि सारे पर्ची को लेके आपको घूमना पड़ता है, सारे रिपोर्ट को लेके आपको घूमना पड़ता है, क्योंकि सब अलग अलग रिपोर्ट होते हैं, अलग अलग पर्ची होते हैं। लेकिन इस कार्ड को बनाने के बाद आपको सारे रिकॉर्ड जो है इसके अंदर मौजूद रहेगा, आपको पर्ची लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाला हॉस्पिटल का जितने भी आप टेस्ट कराई हैं सारे टेस्ट जो है इस कार्ड में मौजूद रहेगा। और जैसे आपको दूसरा हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, रेफर करने के बाद इस कार्ड को आपको उस हॉस्पिटल में दे देना है। जैसे हॉस्पिटल में देंगे उस कार्ड के अंदर पिछले वाला हॉस्पिटल का पूरा रिपोर्ट वहाँ पे मौजूद रहेगा और आपको कोई भी पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ वही कार्ड लेके जाना है। उसी कार्ड के थ्रू आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कार्ड है वो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह आप अपने जेब में लेके घूम सकते हैं, आप अपने वॉलेट में लेके घूम सकते हैं। और अगर आपको ये सारे रिपोर्ट अगर आप खुद से लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, लिंक माई हेल्थ रिकॉर्ड इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद कौन सा हॉस्पिटल में और कौन सा क्लिनिक में या फिर कौन सा लैब में आपने चेकअप करवाया है यहाँ पे आप हॉस्पिटल का नाम सर्च कर सकते हैं और इसके बाद पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आप खुद से भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इस कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ब्राउजर को इस तरह ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है ABHA नंबर। तो आपके सामने ABHA नंबर का जो ऑफिशियल वेबसाइट हुई यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर इस तरह क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन, आपको सिंपली लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, मोबाइल नंबर और ABHA नंबर। आपको क्या करना है, सिंपली मोबाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल को यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पे फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 7-5 इज इक्वल टू कितना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसका जो आंसर है उस आंसर को यहाँ पे फिल कर देना है। आंसर को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद आपको सिंपली इस तरह स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद
आपके सामने आपका जो कार्ड है वो इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करके आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका प्रिंटआउट कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।